मिट्टी के इन बर्तनों में कुटकी, रामतिल, गेहूं, उड़द, चना, अरहर, तरहने जैसे तमाम देसी बीजों की धरोहर जमा है। ये तस्वीरें विंध्य मैकल पर्वत श्रृंखला पर आबाद उमरिया जिले के आदिवासी गांव करौंदी में बने बीज बैंक की है। इस गांव के 42 किसानों ने इस बार इसी बीज बैंक से बीज लेकर 65 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती की है। इस बीज के जरिए गरीबों को जो समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था, अब वो यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। इससे उनके खेती बाड़ी में कोई परेशानी नहीं जाता है। सभी जरूरतमंद किसानों को वहाँ से बीज मिलता है और फिर वो कुछ बढ़ा करके वापस कर देते हैं। इस तरीके से परंपरागत बीजों का संरक्षण का काम हो रहा है और जो जरूरतमंद किसान हैं उनको भी मदद मिल पा रही है। जितने भी परंपरागत बीज हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, उनकी देसी किस्में हैं, उनके संरक्षण का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इस गांव के किसानों ने 2016-17 में सामुदायिक बीज बैंक की शुरुआत की। यहां धीरे धीरे देसी बीजों को जमा किया गया, फिर किसान इससे जुड़ते चले गए। यहां पर बीजों को पारंपरिक तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। इससे हर सीजन में जिन किसानों के पास बीज नहीं होते हैं वो यहां से बीज उधार लेकर खेती करते हैं और जब फसल तैयार होती है तो कुल बीज में एक पाव बढ़ाकर बीज बैंक को वापस लौटा देते हैं। अपने किसानों के पास में जब बीज नहीं रहता है तो समय पर ये बीज मान लीजिए हमको मिल जाता है तो हमारी खेती में कोई दिक्कत नहीं आती। एक अगर किलो है तो उसमें 1.25 किलो का हिसाब है, वापसी में एक पाव और बढ़ा करके वो देते हैं। अब की अपेक्षा कहा जाए तो पुराने बीज है और बहुत पौष्टिक मात्रा में है, मतलब इसमें वो होता है, विटामिन होता है। ये जैसे हो गया कोदो, धान, ये पुराने बीजों में इतना पौष्टिक होता है कि कुपोषण से मुक्ति मिल सकता है। इस बीज बैंक में अब तक 300 किलो से ज्यादा देसी बीज जमा हो चुके हैं। इससे किसानों को न केवल बीज कंपनियों के जाल में उलझने और खेती को खर्चीला बनाने से बचाने में बल्कि पोषक तत्वों से भरे देसी बीजों को सहेजने में मदद मिली है। माना जा रहा है कि देसी उड़द, तिल, रामतिल, मक्का, कुटकी, कोदो और अरहर जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय आबादी में खान पान में इनका इस्तेमाल बढ़ेगा और इससे कुपोषण के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।